हॉस्पिटल क्या करने जा रहे हैं? पट्टी से लग रहा है, ढंग से नहीं हो रखी और ब्लीडिंग में भी रुकी नहीं है। भाई मैं एकदम ठीक हूँ, इतनी ज्यादा बड़ी चोट नहीं है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। Guys, what's up? Welcome back to the channel. So, hope you guys are absolutely fine. शाम के बजे हैं, 7:01 है, बच्चे टीवी देख रहे हैं और दीपक गया है सीएनजी फिल कराने के लिए, तो मैं बैठी हूँ एकदम वेली। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? जब मैं वेली होता ना तो हमेशा मेरे दिमाग में ना कुछ खुरापाती सोचता रहता है और वो खुरापाती एक ही इंसान को परेशान करने के लिए सोचता है। फिलहाल अभी मैंने बहुत ही बढ़िया से एक प्रैंक सोचा है दीपक के ऊपर करने के लिए, तो जैसे ही वो आएगा मैं ये बोलूंगी कि मुझे मार्केट से सामान लेने के लिए जाना है। एक्चुअल में जाना है क्योंकि मुझे मेरा कल फूड चैलेंज करना है और वहां जाके क्या होगा जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी नहीं बताऊंगी, इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। फिलहाल जो मुझे प्रैंक करना है उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए मैं चलती हूँ किचन में। तो मैं शूट कर रही थी और गट्टू ने क्या चलाकी करी है, मेरा फोन लेके भाग गया। इधर दे फोन, एक बार नहीं खेलना, मम्मी का फोन आ रहा है काम का। बेटा गट्टू नहीं, अच्छा बिल्कुल, मेरे को बाजार जाना है, सामान लेके आना है कल। मैं अच्छा दूंगी, अभी दूंगी थोड़ी देर में। हाँ थोड़ी देर में। सो मैं आ गई हूँ किचन में ब्लड बनाने के लिए। यहाँ है मेरी कॉफी, जो ऐसा लगता है कि ये वाला माइक तो मैंने निकाला ही नहीं है क्योंकि मैं अभी हाथ वाले कैमरे से शूट कर रही हूँ। इसको बंद कर देते हैं। मैं ना थोड़ी भुलक्कड़ हो गई हूँ एक्चुअली, ना मैंने बुरा बनाया था 2-3 दिन पहले। बट ये सब कुछ उसके आने से पहले करना है। आई गॉट इट, मेरा हाथ भी दब गया। यस, एक और चीज चाहिए अपने को, दैट इज कलर। ये पूरा भरा पड़ा है। यस आई गेस यही रेड वाला कलर है। पहले मैं हलूंगी पूरा, ऐड करेंगे कलर। ओह शिट, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ब्लड मेरा बन चुका है, मतलब मेरा मतलब ब्लड बन चुका है। तो इसको ना मैं किसी चीज में ना डाल लेती हूँ। इन मतलब ढलने ही वाला है। बट यार इससे पहले वाला टेक ना मैं सेल्फी स्टिक ऐसे हाथ में लेके लेने की कोशिश कर रही थी बट मुझे लगा ठीक नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा कि यहाँ ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ कैमरे को, और ट्राइपॉड में मेरा हाथ फंस गया और यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है और ना काफी अंदर तक हुआ है। बाय टाटा गुड बाय गया, मतलब ये तो वही बात होगी, चोर आया और सच में ही चोर आ गया। खैर एनीवे अब प्रिपरेशन कर लिया है, माइंड मेकअप कर लिया, तो व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और यू नो जैसे ही दीपक आएगा मैं निकल जाऊंगी, बिकॉज बच्चे को छोड़ के मैं ऐसे जा नहीं सकती हूँ। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, बाहर जाने से पहले हमेशा ना अपने फेस पे ना सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, चाहे दिन का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो। यू नो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि खाली सूरज की किरणों से प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। बाहर इम्प्योरिटीज होती है, डर्ट होती है, जिनसे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मेरे पास है गुड वाइब्स का सनस्क्रीन वाइड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन। इट प्रोटेक्ट अवर स्किन फ्रॉम यूवीबी एंड यूवीए रेज। लेट इट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द स्किन कम्प्लीटली। अप्लाई एट लीस्ट 20 मिनट्स बिफोर एक्सपोजर टू द सन। री अप्लाई एवरी 3-4 hours फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन। द SPF 30 इन द सनस्क्रीन प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवीबी रेज एंड PA++++ प्रोटेक्ट फ्रॉम द यूवीए रेज। इसका स्पेशल फॉर्मुलेशन प्रोटेक्ट करता है स्किन को सन डैमेज, एजनिंग, स्किन डार्कनी से बचाने में। गुड वाइब्स का लेमन हैंड सैनिटाइजर जेल विद लेमन एसेंशियल, डिजाइन टू किल द जर्म्स एंड बैक्टीरिया विद अ यूनिक जेल फॉर्मुलेशन। एज वी नो लेमन कंटेन्स एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जिससे ये हाथों को क्लीन करने, डर्ट और बैक्टीरिया को रिमूव करने के साथ साथ सॉफ्ट और फ्रेश भी करता है। सो मैम आ चुके हैं और मैंने ये ले लिया है, देन अपना फोन और मास्क ले लिया। अब मैं जा रही हूँ नीचे। प्रैंक से पहले थोड़ा सा ना डर बहुत ज्यादा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। खैर एनीवे चलते हैं भगवान का नाम ले। सो कार ना मैंने पार्किंग से निकाल लिया और मुझे जाना है अब सीधा यहाँ से मेडिकल स्टोर पर। इतना ज्यादा अंधेरा हो चुका और इतने महीनों क्या सालों बाद मैं रात के टाइम पे गाड़ी चला रही हूँ। ये आ गया मेरा मेडिकल स्टोर। एक दो कर दूं।
वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अब मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि पहले मैंने ब्लड बनाया था और अब मैंने पट्टी लिया है, तो मैं प्रैंक करूंगी दीपक के ऊपर कि मेरे हाथ में चोट लग गई है और इस पट्टी को मुझे बांधना है। तो उससे पहले मैं ना उसको कॉल कर देती हूँ, बुला लेती हूँ, क्योंकि मैंने मेरे घर से थोड़ी सी दूर लोकेशन पे ना गाड़ी पार्क करी है। हेलो। हाँ, एक बार आ सकती हो क्या? हुआ? अरे आ जा यार, एक मिनट ना, मतलब थोड़ी सी दिक्कत है, तू आ जा एक बार ना। अरे हुआ क्या बता? अरे यार आ जा ना प्लीज, मैं पार्क के पास खड़ी हूँ, ये मार्केट वाला जो पार्क है। ठीक है, जल्दी आना थोड़ा, है ना। अभी चाहती तो अभी बता सकती थी कि मुझे चोट लगी, बट खाली बिली में ज्यादा परेशान होता, तो हम इंस्टेंट रिएक्शन देखेंगे। तो फटाफट ना ये पट्टी बांध लेती हूँ मैं हाथ पे। यार क्या क्या काम करना पड़ता है, ऐसे लगा लेते हैं ना, मतलब मैं चाहती ना खाली पट्टी पे बांध लेती, पर ना वो थोड़ा सा ब्लड सा निकला हुआ दिखता है ना पट्टी से, तो वो इट लुक्स लाइक कि रियल चोट टाइप की लगी है। एक्चुअली चौड़ी पट्टी नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी चोट दिखाने की कोशिश करी है। आई डू नॉट हैव टिश्यूज, लेट मी शो। पट्टी मेरी बन चुकी है, पसीने में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और एक्चुअली उसे आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बिकॉज ना पार्क दूर है मेरे घर से। भैया आ गया आ गया आ गया आ गया। रिक्शा वाले के मतलब एकदम तेजी से लेके गया वो, उसमें ना कुछ पत्ती टाइप की थी, तो उसने हाथ चीर दिया। और गाड़ी कौन चला के लाया यहाँ तक? गाड़ी तो मैंने ही चलाई, तो फोन कर देती यार। और रिक्शा वाले को पकड़ा नहीं तूने? ज्यादा लगी है, चल डॉक्टर के पास दोबारा से पट्टी बनवाते, हॉस्पिटल चलते किसी। चल ना, दर्द हो रहा है। तो दर्द तो हो गई जब चोट लगी है, तो चल चल हॉस्पिटल चलते, पास में वो वाला हॉस्पिटल है। चल ना, तू इधर रह, मैं गाड़ी चलाता हूँ, चल। आती हूँ। रुको जरा, सबर करो यार, पहले फोन कर देती किसी को भी कर देती। कहाँ जा रहे हैं अभी? अब तो पट्टी तो हो गई है हॉस्पिटल। अरे एक बार चेक करा लेना, चेक करते पता नहीं किससे कराई है तूने पट्टी। अरे मैं ठीक हूँ अभी, अब हॉस्पिटल। अरे यार पागल है क्या, गाड़ी वापस ले। क्या वापसी कर ले? हॉस्पिटल नहीं जा रही, हॉस्पिटल क्या करने जा रही है? पट्टी से लग रहा है ढंग से नहीं हो रखी, और ब्लीडिंग भी रुकी नहीं है। भाई मैं एकदम ठीक हूँ, इतनी ज्यादा बड़ी चोट नहीं है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरे को लग रहा है ठीक। ये क्या है? क्या ब्लड पूछा था क्या तूने इससे? हाँ ये थोड़ा सा बाहर से ऐसे पूछा था ना, ये हाथ पे भी लग गया था, पर ये मेरे को तो पट्टी जैसा लग रहा है। भाई ये तूने खुद बांध दिया क्या पट्टी? दिखा। यार सीट पे लगा। हाँ तो ब्लीडिंग हो रही है, तो गिर गया सीट पे। फोन भी जमा कर दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब मैं ही मिला हूँ यार, तू हद है यार, तू हद है यार, मतलब कुछ भी करती है यार, पागल हो गई है लग गई। देख हार्ट बीट देख, तू अभी देख ठुकवा दे दी गाड़ी जल्दबाजी में। म्यूजिक देख, एक्टिंग एक्टिंग देख पट्टी की। और किसने बांधी है पट्टी? अच्छा चल मुझे हाथ धोने, ज्यादा चिपचिपे हो गए, ड्रामा कर रखा है। So guys, कैसा लगा मेरा प्रैंक? एक्चुअली मैं चाहती थी ज्यादा पागल बना सकती थी, क्या बोल रही है, बट मुझे लगा नहीं यार ठीक नहीं है, कहीं हॉस्पिटल ले गया पगला। देखो पट्टी कैसे बांधी है, किसी को भी शक हो जाएगा थोड़ी देर में। और ये देखो पहले, सच्ची बता पहले हुआ था, पहले
एकदम नहीं जाती ना इंसान के, और तूने ब्लड किसी का ब्लड चाहिए तो बता देना ब्लड हमारे और ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, इतना ही ब्लड बना लेती जितना, कब बनाया ब्लड? अब उससे क्या लेना, आम खाओ गुठलियां मत देखो यार, मतलब मेरे को मार्केट बेच के ना खुद अपनी तैयारी फैयारी करती रहती है। तो आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय की होगी, अगर एंजॉय की है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो कितनी मेहनत लगती है यार, और अभी मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, एक्चुअली एक इंजेक्शन तो ठुकवाना है इसको टेटनस का, एक की जगह दो लगाएगा भैया मेरे नाम से। ऐसा लगा मेरा मजाक, ला पूछो हटा।